सब्सक्राइब कीजिए इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए चैनल की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। क्या आप समय यात्रा पर विश्वास रखते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यूट्यूब पर फ्री टाइम में कुछ वीडियोस देख रहा था कि अचानक एक यूट्यूब चैनल की एक वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी। टाइटल में लिखा था कि एक भविष्य से आए टाइम ट्रैवलर यानी कि समय यात्री ने बताया कैसा होगा भारत 2030 में। पहले तो मुझे भी उस पर सीधे से यकीन नहीं हुआ, लेकिन वीडियो देखने के बाद जब मैंने थोड़ा और गूगल पर ढूंढा तो मुझे पता चला कि ऐसी ही प्रेडिक्शंस कुछ और टाइम ट्रैवलर्स ने भी की हैं। तो आज इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार उस समय यात्री ने आज से 12 साल के बाद के भारत के बारे में आखिर क्या बताया। वीडियो में वो व्यक्ति अपना नाम नूह बताता है और कहता है कि वो साल 2030 से आया है। मैं अपनी इस वीडियो में उस वीडियो में कॉपीराइट कंटेंट होने की वजह से उसे अपनी इस वीडियो में नहीं डाल पाया। मैंने उस चैनल को परमिशन के लिए मेल किया, लेकिन दो दिन तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने अभी वीडियो उस वीडियो के बिना ही बना दी है। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दूंगा जहां से आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं जिसमें उसने वो सारी बातें कही हैं। फिलहाल अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे वीडियो में वो व्यक्ति बताता है कि मैं एक मिशन फेल हो जाने की वजह से समय में पीछे आ गया हूँ और आज मैं टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा के बारे में आपको असली सच्चाई बताऊंगा। वो वीडियो में ये भी दावा करता है कि समय यात्रा का खुलासा आम जनता के सामने 2028 में कर दिया जाएगा। इसी के आगे वो इंडिया का जिक्र करते हुए बोलता है कि साल 2030 तक भारत बहुत ज्यादा बदल जाएगा और 2030 तक भारत दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। यूएस पर पहले से ही कई बार इस तरह के दावे किए जाते हैं कि वो समय यात्रा पर काम कर रहा है, लेकिन अगर इस व्यक्ति की बात को माना जाए तो इसने तो यहाँ तक कहा है कि भारत का भी खुद का एक टाइम ट्रेवल प्रोग्राम है और हमारी कुछ तकनीकें अमेरिका की तकनीकों से भी काफी बेहतर हैं। इस व्यक्ति का आगे दावा है कि साल 2029 में भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोजेगा जो कि पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। उसने कहा कि उसने इसके बारे में न्यूज में सुना था जब वो फ्यूचर में था। भारत 2029 में एक ऐसी चिप बनाएगा जिसे शरीर के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है और ये चिप इंसानी ब्रेन को 6 गुना तक ज्यादा तेज और स्मार्ट बना देगी। यहाँ पर मुझे ताज्जुब इस बात पर हुआ कि बिल्कुल एक ऐसी ही चिप की बात मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ी थी, जिसका भी यही दावा था कि इस आर्टिकल को एक टाइम ट्रैवलर के बातों के हिसाब से लिखा गया है, लेकिन उसमें साल 2060 का जिक्र था जिसमें एक व्यक्ति ने यह बताया था कि वो असल में समय यात्री है और सन 2060 में इंसानों के दिमाग में एक ऐसी चिप लग सकेगी जो कि उन्हें काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना देगी। उस व्यक्ति ने वीडियो में आगे बताया कि उसके हाथों में भी एक चिप लगी है जिसकी मदद से उसने समय यात्रा की, लेकिन उसके पास वो दिमाग वाली चिप नहीं है। उसके हाथों में लगी चिप की फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसने बताया कि वो उन लोगों से मिला है जिनके दिमाग में वो चिप लगी थी और वो किसी आम इंसान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। और आखिर में जाते हुए उसने सिर्फ एक लाइन में चिप की फंक्शनिंग बता दी कि असल में ये चिप इंसानी दिमाग को इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है। इसका मतलब अगर यह सच है तो हर इंसान के दिमाग में भविष्य में गूगल होगा। आगे वीडियो में उसने बताया कि भारत में उस समय सिर्फ एक ही समस्या होगी और वो होगी जनसंख्या, लेकिन साथ ही उसने बताया कि भारत का स्पेस प्रोग्राम तब तक लोगों को मार्स पर फ्री में रहने के लिए भेजने लगेगा। तो ये थी वो सब बातें जो कि उस टाइम ट्रैवलर ने वीडियो में बताई हैं। मैं इस वीडियो की सच होने की कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरी रिसर्च में 3-4 आर्टिकल्स की बातों का बिल्कुल उसकी बातों से मिलना मुझे ये भी नहीं बोलने दे रहा कि उसकी ये सब बातें झूठी हैं। अब आप ही डिसाइड करो कि क्या सच है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। उस असली वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप उसे देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल में दो वीडियोस टाइम ट्रैवल की भी हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों को भी देख सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।